Thank <laughs> हरे कृष्णा एंड प्रणाम सो भगवदगीता के वीकेंड uh, सेशन में आप सबका स्वागत है और uh, मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी अभी तक की जो जर्नी है वो अच्छी रही हो और इस वीक जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नाइन है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज और जो आज का सेशन है वो गिरिराज प्रभु लेंगे तो आप में से बहुत सारे भक्त नए हैं तो मैं प्रभु जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ गिरिराज प्रभु अपनी फैमिली के साथ गुड़गांव में रहते हैं प्रभु जी एक सीनियर डिबोटी हैं और वो इसकोन से 2011 से जुड़े हैं प्रभु जी ने दो में हरिनाम दीक्षा ली और दो में उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ली परम पूज्य भक्ति महाराज से और प्रभु जी बहुत ही स्पीकर हैं और बहुत अच्छे से जो है उसके बारे में हम सबको बताते हैं और आपको भी जान के खुशी होगी जो अभी तक की आपके जो बहुत सारे सेशंस हैं जैसे कि रामेश्वर प्रभु अमित प्रभु और इनफैक्ट हम हम सब प्रभु जी के ही जो सेशंस हैं उनसे प्रभावित होके अपनी जो जो, जो जर्नी है उसे हमने शुरू किया है तो अब हम मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा आप तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम प्रभु जी को वेलकम करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र करके तो आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र को दोहराएंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण के राज हरे कृष्ण के राज प्लीज हरे कृष्णा एंड प्रणाम डियर डिवोटीज तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू और बहुत समय से तो, आप लोगों का ये सेशन चल रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग आज जो है भगवत गीता के मध्य पार्ट में आ चुके हैं सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप में से जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज कर दीजिए और आ, आप लोगों को अगर कोई भी आपके मन में प्रश्न आता है कुछ भी आता है आप चैट पे डाल सकते हैं सो विल ट्राई टू आंसर इट और हमारा जो सेशन है वो सात से आठ रहेगा एंड देन उसके आठ बजे के बाद जो है वी कैन टेक क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो आपके आज के चैप्टर से या प्रीवियस से विल ट्राई टू आंसर देम अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो सो so, अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं मंगलाचरण से ओम अज्ञान से शलाकया चक्षुर ये नस्म श्री गुरव श्री चैतन्य मनोभीष स्थात येन भूतले स्वयं रूप कदा दधाई स्वापदा हे कृष्णा कृणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका का राधा कांता नमस्तते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी सुते देवी प्रणमा हरिप्रिय वांचाकलप्तूभ्य कृपा सिंधुभव पतिता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वत गाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारि ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात श्रील श्रीलोपाद की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय निताई गौर गोर हरि कृष्ण सो आप सब लोगों का स्वागत है और हम लोग जो है Uh, uh, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग आपकी किसी तरह से सेवा कर पा रहे हैं सारे डिबोटी गुरु ग्राम के मिलके और एक एक करके हर वीकेंड पे आपके पास नया स्पीकर आ जाता है वेराइटी इन द प्रभु जीज एंड माताजीज ग्रुप एंड लेस वेरायटी इन द माताजीज ग्रुप बट आप देख सकते हैं कि कैसे जो भक्त हैं नॉर्मल हाउस होल्डर्स जैसे आप लोग सब हैं आपको भी देख के लगता होगा कि इन्होंने कुर्ता डाला है कंठी डाली है तिलक लगाया है तो पर हम लोग भी आपके जैसे ही गृहस्थ स्थिति हैं केवल इसकोन के संपर्क में आके और प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं जो उन्होंने चेतन महाप्रभु की शिक्षाएं हैं वो दी उसके पढ़ के जो हमारा जो जीवन है उसमें बहुत परिवर्तन आ गया सो इसी तरह से क्योंकि हमारे जीवन में परिवर्तन आया हमें कुछ कुछ मिला तो जो चेतन्य महाप्रभु का मूड है वो बांटने का है कि दूसरों से बांटिए कि भारत भूमि ते हुए जिन जिन का व्यक्ति का भारत भूमि में जन्म हुआ है तो उनका क्या करना है जन्म सार्थक करी कर परोपकार कि पहले अपना जन्म सार्थक करिए और फिर कर परोपकार फिर आप दूसरों को जो आपने सीखा है वो दूसरों को बताइए ये चेतन महाप्रभु की शिक्षा है तो इसी के ऊपर जो पूरा गौड़िया वैष्णविज्म है या पूरा इस्कॉन है वो इसी सिद्धांत के ऊपर है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आइए अपने जीवन में भगवान को लेकर आइए और फिर दूसरों को प्रोत्साहन दीजिए कि वो भी भगवान की शरण लें सो so, आज हम चलते चलते हम लोग जो है नौवें अध्याय पे आ चुके हैं और जो गीता है आपने पहले भी सेशन में सुना होगा कि ये तीन भागों में बटी हुई है सो so, पहला जो है वो है कर्म योग और जो दूसरा है वो है ज्ञान योग पहले जो छह चैप्टर हैं वो कर्म योग के हैं जो लास्ट के छह अध्याय हैं वो ज्ञान योग के हैं और जो बीच के दो अध्याय छः अध्याय हैं वो भक्ति योग के ऊपर है और उन छे के अंदर भी ये जो दो हैं नौवां और दसवां इनको जो है सबसे उत्तम माना जाता है और आज जो है हम लोग जो है ये जो नवा अध्याय है इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे और इसी नौवें अध्याय के अंदर जो भक्ति एक तरह से अठारह अध्याय हुए तो नौवा मिडल में और जो मिडल का लास्ट वर्स है इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं फेमस एंड ऑस्पिशियस वर्स वेरी प्रैक्टिकल वर्स मन मना भगवत भक्तो सो वो हम uh, पढ़ेंगे तो ये जो है सारी भगवत गीता का सार यही है हु? जो भी हम पढ़ेंगे और ये जो अब जो अध्याय हम चल रहे हैं सातवें से आठवें से ये भक्ति योग हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे आपने देखा कैसे हमने पहले पहला चैप्टर किया फिर दूसरे में आत्मा का ज्ञान आया तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे गुहे तमम है so, गुहे पढ़ा फिर गुहे तर पढ़ा और आज हम गुहेतम पढ़ेंगे सो सीक्रेट मोर सीक्रेट एंड मोस्ट सीक्रेट लाइक दैट सो सो पहले जो है हमने आत्मा के बारे में पढ़ा कि कैसे हम शरीर नहीं आत्मा है इट्स ज्ञान इट इज नॉट फॉर कॉमन मैन और सो टू अंडरस्टैंड की वी आर स्पिरिट सोल वी आर नॉट द बॉडी और इसी तरह से हमने फिर पढ़ा आगे तीसरे अध्याय में कैसे हा? हम कर्म जो है कर्मयोग के बारे में हमने सुना तीसरे में दिन चौथे अध्याय के अंदर हमने ज्ञान के बारे में सुना और पांचवें में हमने देखा कैसे वो ज्ञान करते हुए कर्मयोग हम कर सकते हैं निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग और इसी तरह से जब छठा अध्याय आया उसमें हमने ध्यान योग के बारे में पढ़ा अष्टांग योग के बारे में कृष्ण क्या कहते हैं और उस अध्याय के लास्ट में जो है वो सीड वर्ष है जिससे भक्ति योग का उत्पन्न होता है गीता के अंदर हुँ? कि आप लोगों सब ने सबने पढ़ा होगा और वो योगी नाम अपनी सर्वेशम मदगते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम सोमे यक्तो तमो मता कि जितने भी भक्त हैं हु? उसमें बोलते हैं कृष्ण कि जितने भी मेरे भक्त हैं जितने भी योगी हैं बल्कि उन योगी नाम अपि सर्वेशम कि उन योगियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है मद गतेन अंतरात्मना मतलब उन्होंने पहले सारा बताया कैसे रीढ़ की हड्डी सीधी करख के करके, नाक को देख के खुली आदि बंद और फिर ध्यान करना है और जब अर्जुन ने बोला कि ये सब पॉसिबल नहीं है तो उन्हें बोला अभ्यास करिए और उसके बाद हम बोलते हैं ये ठीक है पर जो सभी योगी हैं उन सभी योगियों में सबसे जो मुझे प्रिय है वो कौन है जो श्रद्धावान भजते यो माम तो जो श्रद्धा पूर्वक मेरे में परायन है वो मुझे सबसे प्रिय है तो ये हम पढ़ेंगे कैसे कि जो भगवान है वो इस भक्त इस अध्याय के अंदर वो अपने बारे में बताते हैं एक तरह से और आ, आ, और हम इसमें जो है अभी तक जो है आ, शुद्ध भक्ति के बारे में हम सुनेंगे और भगवान स्वयं अपने बारे में आ, अपना वर्णन करेंगे कि उनको क्या पसंद है वो तो क्या चाहते हैं लाइक दिस तो हमने ये पढ़ा था श्रद्धावान भजते तो ये वर्स था एक तरह से भक्ति योग का जो सेक्शन है सातवां अध्याय। फिर सातवें में हमने पढ़ा कैसे बड़ा अच्छा वर्ष है श्लोक है पहला ही श्लोक है वो कि मई आसक्त मना पार्था योगम युंजम मद आश्रय असंशयम समाग्रम माम यथा तो बोलते हैं भगवान कि अब अब ये भक्ति योग शुरू हो रहा है तो उसके लिए पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि one should hear. So, जब भी हम लोग आ, सुनते हैं क्लास अटेंड करते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं गीता स्वयं भागवतम तो हमें ध्यान से सुनना है सो so, ये पहली क्वालिफिकेशन है कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने जो आसक्त मना कि अगर मन को मेरे में आसक्त करना है क्योंकि सिक्स पॉइंट फोर सेवन उन्होंने बोला तो मत नंतरात्मा कैसे होना है वो बता रहे हैं कि पहला स्टेप है हियर प्रॉपरली तक सुनो कि मई आसक्त मना कि मेरे में आसक्ति कैसे बढ़ेगी आपकी हुँ? वो है आ, सुनने से और फिर दूसरे में सातवें अध्याय में उन्होंने बताया दूसरे बोलते हैं ज्ञानम हम सर्व विज्ञानम इदम बख्शा विशेषता कि इस ज्ञान और इस विज्ञान के बाद जब मैं आपको बताऊंगा तो कुछ और बचाने बताने को नहीं बचेगा हा? यज ज्ञातवा ज्ञातवा नेह भूयो अन्य में हाँ कि और कुछ इससे जानने को नहीं रहेगा क्या बताएंगे ज्ञान और विज्ञान दोनों तो इसको अभी हम देखेंगे नौवें अध्याय में कैसे ये कनेक्ट होता है और उसके बाद थोड़ा सा भगवान ने टर्न लिया और जो कृष्ण है वो आठवें अध्याय में सातवें अध्याय में वो सारा भक्ति योग चलता रहा आठवें में भी चलता रहा बट वो थोड़ा सा उन्होंने टर्न लिया और दो उन्होंने चीज बताते हैं एक आर्ट ऑफ डाइंग और दूसरा आर्ट ऑफ लिविंग हुँ? ये बताते हैं कृष्ण सो आर्ट ऑफ डाइंग में वो बताते हैं कैसे कि अंत काले चमाम स्मरण मुक्ता कलेवरम कि अंत काल में जो व्यक्ति मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्याग देता है वह बस वो एकदम तुरंत ही मुझे प्राप्त करता है और बोलते हैं इसमें याति संशय इसमें कोई संशय नहीं है कोई इसमें डाउट नहीं है कि जो व्यक्ति ऐसे करेगा हुँ? क्योंकि अंत समय में जो व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उसी को ही प्राप्त होता है तो अगर आप मेरा स्मरण करते हुए कोई भी व्यक्ति शरीर त्यागता है तो वह मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है तो ये था आर्ट ऑफ डाइंग इन एट्स चैप्टर देन ही ईल्सो टोल्ड अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग कि ये तो ठीक है कि आपने बता दिया अंत समय में आपका स्मरण करना है अंत नारायण स्मरण बट होना कठिन है तो उसके लिए वो बताते हैं आर्ट ऑफ लिविंग कि तस्मात सर्वेशु काले मामुस्मर युद्धापिता मनोबुद्धिर माम संशय कि जो है बोलते हैं अर्जुन को कि तुम जो है सदैव मेरे रूप का चिंतन करो और मेरा आ, मेरा स्मरण करते हुए आप अपनी जो भी आपकी ड्यूटी है जैसे उनकी ड्यूटी युद्ध करने की थी फाइटिंग की थी तो आप फाइट करते रहिए पर आ, जो अपना मन और जो बुद्धि है वो अंदर से मेरे में स्थित होनी चाहिए हा? और अगर ऐसा करोगे तो आप मुझे प्राप्त हो गए सो इस तरह से जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग बताते हैं और इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा ये परिवर्तन लेकर आते हैं कि भगवान को केंद्र बिंदु रखते हैं और उनको रखते हुए भगवान का नाम जपते हुए अभी तक आप सब लोग जान चुके हैं कि कैसे जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र बहुत मंत्र हैं शास्त्रों में पर जो महामंत्र है वो एक ही है आपने नहीं सुना महामंत्र सो महामंत्र जो एक ही है जो उपनिषदों से निकाल के चैतन्य महाप्रभु ने इसको सारी सबके सामने दे दिया पहले मंत्र इतनी आसानी से नहीं मिलते थे गुरु धारण करना पड़ता था और जब सेवा करके गुरु प्रसन्न होता था तब दीक्षा होती थी और उसके बाद जो है गुरु आपके कान में मंत्र जो है फूकते थे या बोलते थे हल्के से किसी दूसरे को भी सुनाई नहीं देता था बट ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्होंने जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये सबको दिया और बोला कि इसको हर एक कोई जप सकता है किसी भी अवस्था में कैसे भी जप सकता है तो उनकी कृपा से ये मंत्र जो है हमें मिला तो अगर हम लोग रोज इस मंत्र का जप करते हैं तो क्या है धीरे धीरे हमारा जो मन है वो शुद्ध होता है और हमारी जो जिस जैसे मन शुद्ध होता है तो हमारी जो चेतना है वो भगवान से मिलनी शुरू होती है हमें आ, हम अपने जो आध्यात्मिक हमारी जो जर्नी है जो स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी उसमें हम अग्रसर होना शुरू करते हैं क्योंकि जो चित्त है जिसपे मिट्टी पड़ी है इतने करोड़ों जन्मों की वो धीरे धीरे इस मंत्र के प्रभाव से साफ होनी शुरू होती है सो so, इस तरह से जब हम साधना करते हैं प्रैक्टिस करते हैं भगवान का नाम लेने की भगवान का जप करके उनका नाम का स्मरण करने की सो so धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस होती जाती है और हम जो है अंत समय में चांसेस आर वेरी हाई कि वी विल रिमेंबर कृष्णा वी विल नॉट रिमेंबर माय वाइफ माय हस्बैंड, माय मनी माय चिल्ड्रन माय फैक्ट्री माय ऑफिस माय पेंडिंग वर्क और वट हमें जो है भगवान का ही स्मरण होगा तो ये हमने देखा कि ये आर्ट ऑफ डाइंग और आर्ट ऑफ लिविंग और दूसरा उन्होंने ये भी बताया आठवें आथ अध्याय में कि कैसे जो भगवान है ही इज वेरी इजी टू बोलते हैं अनन्य चेतता यो मां स्मृति नित्यश तस् अहम सुलभ पार्थ सुलभ मीन बड़े आसानी से नित्य युक्त से योगिना कि जो अनन्य भाव से कृष्ण बोलते हैं जो मेरा स्मरण करता है मैं उसके लिए अत्यंत सुलभ हूं क्योंकि वह भक्ति में प्रवृत्त रहता है सो so ये हमने देखा किस तरह से जो ये सातवें और आठवें अध्याय में हमने आ, पढ़ा और अब हम हमारी जो गाड़ी है वो अब चलते चलते वापस उसी जो सातवें अध्याय वाला जो मूड चल रहा था ये आर्ट ऑफ डाइंग और आर्ट ऑफ लिविंग से हट के वापस भगवान अपने पास लेकर आते हैं और अपने बारे में बताते हैं तो उसका जो पहला श्लोक है आज का वो नवे अध्याय का वो यह है कि श्री भगवान वाचा प्रत्यक्ष ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञावा मोक्ष से अशुभा तो श्री भगवान वाचा ये हम समझ सकते हैं कि श्री भगवान वाचा मतलब श्री भगवान ने कहा इदम मतलब इस हाँ? किसको इस तू ते घूय हाँ तू मतलब लेकिन और ते ते मतलब तुम्हारे लिए आपके लिए घूय जिसमें मैंने आपको बताया था सीक्रेट मोर सीक्रेट मोस्ट सीक्रेट हुँ? सो दिस बॉडी सॉरी वी आर नॉट दिस बॉडी हाँ? वी आर सोल मैं शरीर नहीं एक आत्मा हूं जिस आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती कभी जन्म नहीं होती सच्चिदानंद है ये इसे सीक्रेट और उसके ऊपर सीख रहे जो भगवान है वो परमात्मा के रूप में है हमारे। और कैसे, तो कैसे? सातवें अध्याय में बोलते हैं कि सूर्य का प्रकाश में हूँ उसकी गंध में हूँ पर आगे भी पढ़ेंगे हम दसवें अध्याय में वो अपनी विभूति बोलेंगे तो परमात्मा के रूप में हर एक चीज में स्थित है और भूये क्या है कि वो एक व्यक्ति है और वो जो है की जो, की भगवान की एक 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 वो, एक वो personality है, एक व्यक्ति है hmm? जिनकी कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स हैं और वो क्या करते हैं वो जो है गुहेतम ज्ञान जो है वो अब भगवान नौवे अध्याय में अब हमें बताना शुरू कर रहे हैं सो so, श्री भगवान इदम तूते गुहेतम प्रश्याम प्रभक्ष सो प्रवश्यामी मीन्स कि मैं कह रहा हूं और अनुसुएवे मीन्स कि जो ईर्षा ना करता हो और ज्ञानम विज्ञानम सो ज्ञानम विज्ञानम so, हमने पढ़ा था सातवें अध्याय में भी जब हमने सातवें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ा था कह रहे थे ज्ञानम विज्ञानम सो so, फिर से अब कह रहे हैं ज्ञानम विज्ञानम क्योंकि जो साइंस है ये प्रैक्टिकल साइंस है हाँ इट इज नॉट थ्योरी सो ज्ञान मतलब थ्योरी और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल सो so, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है जो भगवत भक्ति है या भगवत धर्म है हुँ? ये क्या है? ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमें ज्ञान हो गया पर ज्ञान का फायदा तभी रहता है उसको हम अप्लाई करें तो ज्ञान क्या है और उसको अप्लाई कैसे करना है वो दोनों ही भगवान बताएंगे सहितम सहितम मतलब इसके सहित यत मतलब जिसे ज्ञातवा मतलब इसको जानकर मोक्ष से मुक्त हो जाएंगे अशुभात अशुभात शुभात मीन्स ऑस्पिशियसनेस शुभदा जैसे बोलते हैं और अशुभात मीन्स इनऑस्पिशियसनेस या कष्ट में जो ये संसार है इससे मुक्त हो जाएंगे तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं श्री भगवान ने कहा हे hey अर्जुन चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह ज्ञान अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम्हें सारे संसार के तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओ <laughs> कितनी बार हम सोचते हैं इस बारे में कि कब मुक्ति मिलेगी अब मैं आपको जो बताऊंगा इसको सुनकर आप सारे कलेषों से मुक्त हो जाओगे so, तो इसमें क्या है इस, इस श्लोक म, इस है, इस में ये जो है इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा सा पहले जो है पहले जो दो जो श्लोक हैं तीन श्लोक हैं वो इसकी जो है व्याख्या करते हैं गुणगान करते हैं इसका और वो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा सुनेंगे इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा और फिर सेकेंड हाफ में और कल जो है श्लोक बाय श्लोक हम चलते जाएंगे कि इसमें चौंतीस श्लोक हैं इस अध्याय में ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है मिडिल सो so हम पढ़ेंगे और तो आज जो है थोड़ा सा हम डीपली जो पहले दो तीन वर्ड्स हैं इनके बारे में हम सुनेंगे कि कैसे कितना प्रभाव है इस नौम अध्याय का और हम क्यों पढ़ना चाहिए और क्या स्पेशल है इसके अंदर सो so, पहले जो है वो कह रहे हैं श्री भगवान वाचा सो so, अभी तक आई एम श्योर कि आप आप लोगों में से सबने आ, जो जो आ, सेशन किए हैं आ, आपने सुना होगा कि भगवान का मतलब क्या है किस किस को मालूम है कि व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ भगवान जो कह रहे हैं भगवान हु? सो so, भगवान सो so, आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि भगवान का मीनिंग क्या है वट इज द मीनिंग ऑफ भगवान हम क्या समझते हैं भगवान कौन है या हमने सुना हो पुराने सेशन में कि भगवान का क्या अर्थ है बोल सकते हैं और या चैट में लिख सकते हैं जैसे आप करना चाहें ताकि हमें हरे कृष्णा हरे कृष्णा से युक्त है। थैंक यू थैंक यू माता जी थैंक यू सो मच सो यस और यहाँ पर भी माता लिखा है जो जो हो, yes, those who is perfect personality. तो ये जो है, सो so, भगवान का मतलब है कि जो uh, कि जो हु परफेक्ट पर्सनैलिटी और वो परफेक्ट क्योंकि भग का भग का मतलब होता है ऑपिल और वान मतलब जो उसको पोजेस करता है So भगवान मीन्स की दोस्त दैट दैट पर्सनसेस ऑल दैट इज भगवान hmm? so जैसे बहुत सारे जो है अमीर व्यक्ति हैं कभी कोई नंबर वन में कोई होता है नंबर टू में कोई कभी नंबर इनकी रैंकिंग चेंज होती रहती है और कोई भी बोल सकता है कि मैं बहुत धनवान हूँ बट वो ये नहीं बोल सकता कि मैं सबसे ज्यादा धनवान हूँ क्योंकि देर इज ए कॉम्पिटिशन और सो uh, so इसी तरह से कोई कह सकता है कि मैं विद्वान हूँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूँ hmm? So, इसी तरह से जो डिक्शनरी के अंदर अगर आप गॉड का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम बीइंग एक डिफाइन एक करते हैं सुप्रीम बीइंग बीइंग सो व्हाट द सुप्रीम कि जो जैसे माता जी ने बोला जो जिनमें षड ऐश्वर्य है कि हु इज द रिचेस्ट हुगेस्ट हु मोस्ट ब्यूटिफुल हु इज द वाइजेस्ट एंड इज द मोस्ट अनाउंस्ड सो इन दिस मैनर जो जो भी व्यक्ति इस डेफिनेशन पे खरा उतरता है उस उसको भगवान कहते हैं तो ये जो भगवत गीता है ये कौन बोल रहे हैं ये भगवान बोल रहे हैं कि वाई वी शुड हियर भगवत गीता बिकॉज ये भगवान के स्वयं के मुक्कमल से ये शब्द निकले हैं तो इसीलिए भगवत गीता की इतनी महत्ता है अब देखिए नहीं तो हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं पुराण पढ़ते हैं महाभारत पढ़ते हैं रामायण पढ़ते हैं बट इन सब चीजों में हम देखते हैं कि भगवत गीता का एक स्पेशल स्थान है वो स्पेशल स्थान क्यों है क्योंकि जितने भी आप देखिए किसी भी संस्था से जुड़े हुए कैसे भी करेंगे हमेशा भगवत गीता जरूर पढ़ते हैं व्हाई इट इज सो स्पेशल बिकॉज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड जो भगवान है उन्होंने स्वयं अपने मुख से ज्ञान दिया है सो so, इसलिए जो भगवत गीता है इसमें इट इज वेरी स्पेशल और इट इज नॉट लाइक अ मैथमेटिक्स बुक या हमारी इंग्लिश की बुक कि हमने पढ़ी खत्म हो गई आगे बढ़ी अगली बुक के ऊपर ऐसा नहीं है क्योंकि जो सारे हैं दे आर दीज आर स्पिरिचुअल भगवान से जो भी शब्द निकले हैं वो आध्यात्मिक हैं स्पिरिचुअल है भगवान के जो कर्म है वो भी स्पिरिचुअल है भगवान की जो वाणी है वो भी स्पिरिचुअल है तो इसी तरह से जो वाणी है इट्स ए लिविंग वाणी तो जो भगवदगीता है कभी भी किसी भी समय में इट कैन गिव अस शो अस नेक्स्ट स्टेप जो हम भक्ति में बढ़ते हैं आप देखेंगे कि जो भक्त शुरू में आते हैं हम भगवद गीता खोल के पढ़ते हैं सिर खुजाते हैं कुछ सोचते हैं नहीं समझ में आ रहा धीरे धीरे हमें समझ में आती है और हम पढ़ते चले जाते हैं और आप देख के आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो भक्त जिन्होंने पचास साल साठ साल चालीस साल भक्ति कर ली आप देखेंगे कि वो बड़े ही लगन से भगवत गीता पढ़ते हैं हुं? बहुत ही लगन से आप पाएंगे कि इतनी लगन से भगवत गीता पढ़ते हैं क्योंकि वही भगवत गीता वही श्लोक हुँ? जो है वो अलग अलग अनुभूति देता है हुँ? जो हम पढ़ रहे हैं कि आ, आ, ये श्लोक श्लोकम तो वो घुहतम क्या है वो गुहेतम जो है वो एक लेवल के ऊपर हमें एक तरह से घुहतम बता सकता है और जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं वो अलग तरह से घुहितम का मतलब निकल सकता है और जब हाँ और आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो वही श्लोक जो है अलग अलग तरह से हमें हमें आगे आत्मसाक्षात्कार दे सकता है रियलाइजेशन दे सकता है तो सेम वर्स विल गिव डिफरेंट रियलाइजेशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ आवर साधना भक्ति बल्कि साधना भक्ति से भी ऊपर तीन तरह की भक्ति होती है शायद आपने पुराने सेशन में सुना हो तीन तरह से तीन लेवल होते हैं भक्ति के साधना भक्ति विच इज प्रैक्टिसिंग डिवोशन लाइफ देन भाव भक्ति देन प्रेम भक्ति तो तीनों ही लेवल के ऊपर जो भक्त है वो भगवत गीता को श्रीमद् भागवतम को उतने ही चाव से उतने ही प्रेम से बल्कि ज़्यादा भाव से ज़्यादा प्रेम से पढ़ते हैं क्योंकि यही भगवत गीता के जो श्लोक हैं ये हमसे उसी तरह उसी लेवल के ऊपर हमसे इंट्रैक्ट करते हैं सो so, जो पहला है तो ये जो है हमने पढ़ा कि भगवान और जो भगवान के मुख से जो है ये निकली है इसलिए भगवदगीता जो है अब हमें हमारे भक्तों के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आ, स्थान रखती है So, और और दूसरा कि क्योंकि ये भगवान के मुख से निकली है तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो जो भी कोई अगर हम कोई नॉलेज या कोई ज्ञान हमें दूसरों से मिलता है उसमें देर आर फ्यू शायद आपने पुराने सेशंस में सुना होगा कि चार हर एक एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ सेंसेस आर की ंग प्रोपेंसिटी एंड कमिट मिस्टेक्स ये जो चार डिफेक्ट हैं ये हर एक ह्यूमन बींग में है और जो भगवदगीता है ये भगवान से निकली है सो उनके मुख से निकली है तो इसमें चार डिफेक्ट नहीं है हुँ? कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो यही नहीं कह सकता कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं की कोई नहीं मिलेगा है ना हमें हमें हम भी हम पीछे मुड़ के देखेंगे हम देखेंगे हमने हमने अपने जीवन में कितनी गलतियां की हैं ना चाहते हुए भी सो और इसी तरह से हम लोग जो हैं वी वी आर इन इल्यूजन मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे बड़ा इल्यूजन तो यही है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं और आत्मा के लेवल पे नहीं देख पाते हैं जबकि हमें मालूम है कि जो ये जो पूरा हमारा जो अस्तित्व है इसके अंदर आत्मा ही मेन चीज़ है क्योंकि जब आत्मा जो है आ, शरीर छोड़ देती है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है बट हमारी जो एंगेजमेंट है हमारी जो अटैचमेंट है वो सारी इन्हीं के साथ रहती है तो सबसे बड़ा यही यहीजन है और तो इल्यूजन और भी बड़े सारे हैं अभी थोड़े थोड़े दिन पहले चार पांच दिन पहले हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई अकास्मत मृत्यु थी उनकी वो अफ्रीका में रहते थे माता जी और उनके जो बच्चे हैं दोनों बाहर हैं और वो उनको आने में चार या पांच दिन लगते थे क्योंकि एक बच्चा तो अभी गया था वहां उसको टेम्प्रेरी वीजा लेके आना पड़ा तो वो नहीं आ पाए एकदम नहीं आ पा रहे थे तीन चार दिन लगे और वो शरीर है वो तीन चार दिन उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा और और यहाँ सब बात कर रहे थे मैं सुन रहा था कि कैसे वो घर में उन्होंने हॉस्पिटल बॉडी रखी है जब तक लेकर आएंगे कैसे रहेगा क्योंकि इमिजिएटली वी हैव नो अटैचमेंट टू तो दैट बॉडी सब यही बातें करें कैसे वो जाएंगे कितनी इतने देर नहीं रखना चाहिए उसको जला देना चाहिए सो देखिए जिस शरीर से जिस व्यक्ति से इतना प्रेम करते हैं उसी से आत्मा के जाने के बाद हमारा कोई लगा इमीजिएटली वी बिकम डिटैच्ड उसको एक एक रात अगर घर में चाहे वो कोई भी हो हमारे सगे संबंधी अगर वो शव घर में पड़ा है वो हमें कष्ट देता है वी वॉन्ट इट टू इमिजिएटली गो इमीजिएटली वी फील उसके जाने के बाद घर साफ करना है पवित्र करना है जैसे भी संस्कार है तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा तो यही एल्यूजन है हुँ? और तो एल्यूजन बड़े सारे हैं और इसी तरह से हमारी अटैचमेंट रहती है कि मैं भारतीय हूँ मैं अमेरिकन हूँ मैं मैं आ, श्वेत हूँ मैं काला हूँ लाइक दिस तो ये जो सारे हैं ये इल्यूजन है बिकॉज इस जन्म में हमें यहाँ यहाँ जन्म मिला अगले जन्म में हमें हमारा जो जन्म है वो किसी और देश में हो सकता है हो सकता है हमें एक पड़ोसी देश से इतना लगाव हो उनकी इतनी न्यूज सुनते हो है उनको इतना हम उनसे इतना हम द्वेष करते हो कि अगली अगला जन्म उसी उसी का उसी देश में मिल जाए आज यू नो हाय हाय कर रहे हैं कल उसी देश के लिए इसी देश भारत के लिए हाय हाय कर रहे होंगे क्योंकि uh, अगर सारी हमारी कॉन्शियसनेस उसी में जाती है सो so अंत समय में वही आएगा और देन देन परमात्मा गाइड्स टू तो गो टेक बर्थ देयर लाइक दिस सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि वेयर इज आवर अटैचमेंट और जिस जिससे हम शास्त्रों को पढ़ते हैं भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे अनुभूति होती है कि मैं यस इट इज राइट एटलीस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमें चाहे ये रियलाइजेशन ना हो बट अंडरस्टैंडिंग नॉलेज हमें हो जाती है कि यस इट इज लॉजिकली करेक्ट आई एम स्पिरिट सोल नॉट दिस बॉडी तरह से हम देखते हैं जो है छोटे hmm? बच्चे, तो बच्चे होता है उसको, उसको बोले यार जो समीर वही बस परसों मुझे कह रहा है पेट में दर्द है क्लास नहीं जाना है अब मुझे समझ में नहीं आता कि अब पेट में दर्द क्योंकि दो चीजें ऐसी हैं कोई नहीं पकड़ पाता कि पेट में दर्द और सर में दर्द सो so, अगर वाइफ बोले सिर में दर्द है या बच्चा बोले पेट में दर्द है तो कोई नहीं पकड़ सकता उसको कि कि सच है कि झूठ है तो जो छोटा बच्चा है मैं उससे पूछा कि नहीं ऐसा नहीं है और रात को उसने वॉमिट की रिलाईज इसका पेट में ही वाकई खराब है इसका स्कूल से बचने की कोशिश नहीं कर रहा है बट वी सी कि दिस चीटिंग प्रोपेंसिटी इज देयर विद इन अस एट ए इनोसेंट लेवल ऑल्सो एंड लेटर लेवल ऑल्सो हाउस वी वॉन्ट टू जस्टिफाई इट सो सो so, हमने देखा कैसे और हमारी सेंसेस तो हैं ही हमने पढ़ा कि हमारे ये जितने भी हमारे जो ये सेंस ऑर्गन्स हैं दे आर लिमिटेड जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं ये परफेक्ट नहीं है बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं देख सकते तो ये सब जो दोष हैं ये भगवान में नहीं है सो so, और वो भगवान क्या कह रहे हैं इदम ते तु घुह तमम श्यामी अनु सो so, अब वो अर्जुन को बता रहे हैं इस नौवे अध्याय में कि अब जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज घु तमम मैं आपको बता रहा हूं और uh, so, वो तवम, uh, knowledge क्या है और वो क्या है ज्ञानम विज्ञानम सहितम कि जो नॉलेज है ये क्या है It is with full knowledge, not imagination, ये अपना हमारा मनोधर्म uh, uh, नहीं है कैसे हम सोचते रहे बट ज्ञानम विज्ञानम सहितम सो so, विज्ञान जिसे मैंने हमने पहले भी डिस्कस किया मीन्स प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किसी व्यक्ति ने मेडिकल साइंस किया डॉक्टरी की और अब उसका जो उसको ज्ञान हो गया बट जब तक तो वो प्रैक्टिस नहीं करेगा ही नॉट बी क्लेम टू बी ए डॉक्टर सो इसी तरह से जो ज्ञान है इट इज फॉर प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भगवान कह रहे हैं मैं दोनों बताऊंगा ज्ञान और विज्ञान और अगर ये आप नॉलेज जो है सीख जाओगे तो उसका असर क्या है यज्ञातवा मोक्ष से अशुभा So, मोक्ष से मींस आपको मुक्ति मिल जाएगी जितनी भी ये अशुभ हमारे पास जो कलेश हैं हमारे जो आ रहे हैं हमारे जीवन में उन सब से हमें मुक्ति मिल जाएगी so, जब तक हमारे पास ये भौतिक शरीर है इस शरीर में कष्ट आते रहते हैं क्योंकि ये शरीर हमें मिला ही इसलिए है कि हमें कष्ट मिले ये हम लोग जिस शरीर को इतना प्यार करते हैं अब बनाते संवारते हैं सब कुछ क्रीम पॉलिश लगा के हाँ बट एक्चुअली जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो शरीर है इट्स ए इंस्ट्रूमेंट टू गिव अस पेन इट इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट टू गिव अस प्लेजर हाँ सो कहीं भी आप शरीर का अंग अगर आप देखें कोई भी कोई एक छोटी उंगली या एक कान कि आप किसी तरह से इस छोटी उंगली को आप किस तरह से आप सुख दे सकते हैं सो वेरी फ्यू यू नो आप मसाज कर सकते हैं मे बी कुछ कुछ और एक दो चीजें कर सकते हैं हा? थोड़ा सा उंगली को आप क्या कर सकते हैं बट अगर आप ये देखिए कि इसको पेन कितनी तरह से दे सकते हैं सो दे आर अनलिमिटेड वेज सो दिस बॉडी इज ए इंस्ट्रूमेंट टू गिव अस पेन इट्स अ पनिशमेंट विद गॉड दिस बॉडी इट इज नॉट दैट आईव आई एम वेरी सक्सेसफुल सो आईव गॉड दिस ग्रेट लुकिंग बॉडी आई एम यू नो लाइक दैट सो इट्स ए इंस्ट्रूमेंट टू गिव अस पेन और ये जो जो अशुभ हाथ है इससे जो मुक्ति है वो भगवान कह रहे हैं कि वो मैं आ, वो मैं आ, आपको मिल सकती है उस कैसे मिल सकती है वो ज्ञान में आपको बताऊंगा सो so, ये जो है भगवत गीता का ये जो अध्याय है इसी के लिए इसका हम थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ रहे हैं कि आ, ताकि हमें ये जो क्लेश है हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उनसे हमें मुक्ति मिले तो उसके बाद अब अगला श्लोक में आ, और उसमें ये हम भूल गए एक शब्द आया वे जो मैंने बताया कि ईर्ष्या तो जब भी हम एक आप लोगों ने में अध्याय में पढ़ा होगा जिसमें बताते हैं कि कैसे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हम लोग क्यों गिरे हा? सो तो उसमें क्या है इच्छा द्वेष समुना द्वंद मोहे न भारत ये बहुत फेमस श्लोक है सातवें अध्याय का जो बताता है कि कैसे हम आध्यात्मिक जगत से एक आत्मा ये भौतिक जगत में क्यों गिरी ना? तो क्या है इच्छा द्वेष समुत्थेना इच्छा मतलब क्या है वो इच्छा इच्छा मतलब डिजायर टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम गॉड वी वर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिजायर टू एंजॉय सेपरेट लाइफ फ्रॉम हिम इच्छा द्वेष द्वेष मतलब व्हाई ही इज एंजॉयिंग हाँ वहां पर वैकुंठ के अंदर जो है भगवान एंजॉय करते हैं बाकी सब सेवा करते हैं तो अगर हमारे मन में कभी भी ये भावना आती है कि मैं भी एंजॉय करना चाहता हूं पर इनसे अलग होकर टली इन माइक्रो सोल इज ट्रांसफर टू दिस वर्ल्ड इच्छा द्वेश्वो भारत दिस वर्ल्ड ऑफ ड्यूएलिटी वहां सब कुछ जो है वो आ, शुद्ध तत्व के लेवल के ऊपर है और यहाँ पर जो है सब कुछ जो है ड्यूअल है को देखने के लिए हमें हमें सौर देखनी पड़ती है हु? सुख सुख का डेफिनेशन क्या है दुख ना हो लाइक like दिस जब तक दुख नहीं मिलते हम सुख को नहीं समझ पाते हैं जब तक सुख नहीं मिले दुख को नहीं समझ पाते हैं तो इस तरह से ये जो हमारा जो आ, ये जो हमारा ये का वर्ल्ड है यहाँ गिरता है तो इसका हमें थोड़ा सा ये है कि जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता में और अब भगवान बताएंगे अपने बारे में नौवें और दसवें अध्याय में तो वी शुड नॉट बी ईर्ष्या ईर्षा नहीं करनी चाहिए भगवान से और ये चौथे अध्याय में भी भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और तुम ईर्षा नहीं करते हो जैसे आप समझते हैं कॉलेज के दोस्त होते हैं आप देखिए कि अभी आज भी हमारे सबसे जो प्रिय दोस्त हैं वो यूजली आर आवर स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स यूजली स्कूल फ्रेंड्स और उनके साथ हम बड़ा खुल के बातें कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये ये व्यक्ति हमसे ईर्षा नहीं करता है तो अगर आप बताएंगे कोई आपका स्कूल का दोस्त मिलता है या जो आपके बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं वो वही होते हैं जिन जो आपसे ईर्षा नहीं करते हैं उनको आपको बताते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं होती है कि, कि ये बस, मैं, मैंने इतनी तरक्की कर ली मैं इतना बड़ा बन गया मैं ऐसे हो गया बल्कि वो और खुश होते हैं हमारी तरक्की दे के दिल से होते हैं। तो इसी तरह से जब हम भगवान के बारे में करते हैं तो हमारे मन में ये विचार नहीं आना चाहिए थोड़ा सा इच्छा नहीं करनी चाहिए कि ये सब यही क्यों कर रहे हैं यही क्यों हो रहे हैं सो मान समझ में ना चाहिए कि ये भगवान बता रहे हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान सुन पा रहे हैं जो उन्होंने अपने बारे में बताए क्योंकि जो ईर्षा है ये बहुत बुरा फसाती है तो उसके बाद जो है अब ये अगला श्लोक बोलते हैं भगवान कि राज विद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्ष धर्म्यम सुसुखम कर तुम अव्ययम अब ये देखिए कितना सुंदर श्लोक है राज विद्या, सो राज विद्या विद्याओं का राजा राजगुम मतलब बड़ा गोपनीय जितने भी गोपनीय ज्ञान है उसका भी राजा पवित्रम मतलब शुद्ध करने वाला हा? इदम मतलब यह है। उत्तमम मतलब दिव्य प्रत्यक्ष हु? प्रत्यक्ष मीन्स समझते हैं प्रत्यक्ष मीन्स जो सामने हो जिसको हम साबित कर पाए प्रत्यक्ष अनुभव से अवगमम सो अवगम मीन्स समझा गया कि आदमी समझ सकता है अपने आप अपने अनुभव से धर्मया मींस धर्म मीन्स धर्म सुसुखम सु सुमी वेरी गुड सो सुसुखम मीन्स अत्यंत सुखी कर्तुम मीन्स संपन्न करने में और अव्ययम मीन्स कभी इसका नाश नहीं होता अव्यय अविनाशी है तो इसका ट्रांसलेशन में पढ़ता हूं यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक किया जाता है सो so यह धर्म है जो भगवत भक्ति है, ये क्या है अत्यंत सुखपूर्वक होती है और और इसमें लिखा है हा? राज विद्या सो so राज का मतलब समझते हैं हम सब लोग राज राज का मतलब किंगली शाही जिसे बोलते हैं रॉयल सो सो वी हैव एक्सपीरियंस कि जैसे कर, uh, कोई रॉयल पैलेस है सो रॉयल्टी किंग का पैलेस है रॉयल uh, पैलेस। आप uh, नहीं रही, तो आज भी हम हम छोटी अगर हम स्टेट्स में जाते हैं, तो वहां हम देखते हैं uh, there are, uh, राजभवन, जहां रहता है, उसको बोलते हैं राजभवन आप देखें बहुत लंबा चौड़ा है, है? A ceremonial post, is a घर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है बिकॉज सेरेमोनियली या कॉन्स्टिट्यूशनली इज द हेड ऑफ द स्टेट तो उनका जो घर है उसके भवन को बहुत जगह राजभवन बोलते हैं क्योंकि सीनियर मोस्ट फॉर दैट स्टेट सो इसी तरह से जो है राजविद्या का मतलब है कि बड़ी तरह की विद्या है अलग अलग तरह की लर्निंग है नॉलेज है बट वो बता रहे हैं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये राजविद्या है मीनिंग इट इज किंग ऑफ ऑल एजुकेशन क्योंकि विद्या तो बड़ी तरह बड़ी तरह से हो सकती है हम फिलोसफी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री पढ़ते हैं बाद में इंजीनियरिंग मेडिकल सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के करते हैं बट uh, ये जो है इट्स ए रॉयल एजुकेशन इट इज फॉर राज भगवान बताते हैं चौथे अध्याय में शुरू में कि कैसे जो राज ऋषियों को दी जाती थी वो राजा जो वो जो ऋषियों की तरह अंदर से इनकी कॉन्शियसनेस होती थी और सिर्फ एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड दे विल रूल द प्लानिट नॉट ए कंट्री बट द होल प्लानट उन राजऋषियों के लिए ये विद्या है क्योंकि दे आर वो जो क्षत्रिय हैं वो देश चला रहे हैं सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पर्सन शुड बी वेल एजुकेटेड सो द मोस्ट हाईएस्ट एजुकेशन इज दिस राज विद्या तो वो जो राज विद्या, राज ऋषियों के लिए है वो गीता में भगवान सबको दे रहे हैं कि वो क्या है सो so राजविद्या राजगुहम सो so राजगुहम भी है गुहम मतलब वेरी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट So, और पवित्रम सो so, पवित्रम मीन्स प्योरेस्ट इट इज अब इट इज अट इज नॉट कंटेमिनेटेड बाई एनी थिंग सो नॉट कंटेमिनेटेड मीन्स इन ए जनरल अंडरस्टैंडिंग नॉट कंटेमिनेटेड मीन्स की इसमें कोई मेटीरियल uh, नॉलेज uh, नहीं है इट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल सो मेटीरियल नॉलेज इज ऑलवेज कंटेमिनेटेड स्पिरिचुअल नॉलेज इज ने कंटेमिनेटेड सो जो और वो मेटीरियल कंटेमिनेशन क्या है uh, वो है जो तीन गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण तो जो भी नॉलेज इन तीनों गुणों से जो भी मटेरियल नॉलेज है वो इन तीनों गुणों से मि मिश्रित होती है सो so, जो इग्नोरेंस इज ऑल्सो कंडेम्ड पैशन इज ऑल्सो कंडेम्ड एंड इवन इट इज अब द गुडनेस ऑल्सो कई बार लोग हैरान होते हैं कि जो भक्त हैं ये आ, 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 दान देने में भूकंप आ गया या इसमें ज़्यादा अग्रसर नहीं होते जबकि अब एज ए इंस्टीट्यूशन इज कॉन इज बिकॉज मोड ऑफ गुडनेस ऑल्सो इट इज गुड टू डू ऑल दिस थिंग जो वर्क एनजीओ the, uh, huh? huh? करते हैं जो और करते हैं दे आर गुड बिकॉज दे आर इन द मोड ऑफ गुडनेस बट जो भगवान की भक्ति है इट इज अबव दिस थ्री गुनास बिकॉज जो सतोगुण है वो भी बांधता है बिकॉज वन फील्सफाइड फील टू गो अब सो so, वो भी बांधता है यहाँ पर सो so, इसी तरह से ये जो विद्या है जो भगवान बताने जा रहे हैं इस अध्याय में राज विद्या राज राजगुम पवित्रम इदम उत्तम सो so, उत्तम मीन्स तम मीन्स डार्कनेस जैसे हम पढ़ते हैं अस्तो मदगम तमसो ज्योतिर्गमय हमारे सेंटिस में पढ़ाते थे तो हम पढ़ते थे सो so, ये उपनिषद से ये है श्लोक सो so, इसी तो इसी तरह से तम मीन्स डार्कनेस और उत्तम मीन्स उसके ऊपर अब लाइक दैट सो इट इज अब डार्कनेस उत्तम सो ये जो नॉलेज है राज विद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तम और उसके बाद क्या कर रहे हैं प्रत्यक्ष आवगम सो so, इस, इसका क्या मतलब है कि हमने कोई विद्या ली और सपोज uh, करिए कि मैंने किसी डॉक्टर के पास गया और मैंने बोला कि मुझे ये बीमारी है और मुझे इसका इलाज करिए सो so, uh, और मेरा बुखार कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर ने दवाई दी और मेरा बुखार कम हो गया सो इट इज डायरेक्टली परसीव प्रत्यक्ष आव किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप ठीक हो गए आपको पता नहीं चल रहा है पर आप ठीक हो गए हैं कोई क्योंकि मैं स्वयं को अनुभव कर सकता हूं मेरा बुखार ठीक हो गया आ, सो इसका मतलब है तो इस तरह से हम समझ सकते हैं प्रत्यक्ष आवगम और एक उदाहरण आता है शास्त्र में इसका कि जैसे हम अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी हो Hmm? और वो उसको खाना मिले भूखे को तो क्या है कि इमिजिएटली तुष्टि पुष्टि तो मतलब द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड स्ट्रेंथ एंड सेफेक्शन तीनों चीजें आपको साथ मिल जाती है खाने का भी सुख मिला और खाने से जो है शरीर को जो है शक्ति मिलती है वो भी है एंड वन फील सेटिस्फाइड ऑल्सो ऑल द थ्री थिंग्स हैपन टुगेदर इसी तरह से जब आप भगवत धर्म जो भगवत भक्ति है कृष्ण कॉन्शियसनेस है भागवत धर्म है जब हम इसको फॉलो करते हैं तो किसी और को बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है तो so जब आप हाँ जब हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जब करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे, राम, हरे राम, राम 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 हरे हरे तो हम देखते हैं कि विद इन फ्यू वीक्स इफ नॉट मंथ्स वन फील्स डिफरेंस इन आवर कॉन्शियसनेस प्रत्यक्षम ऐसा नहीं है कि फोकस फोकस की सारा उम्र करते रहे और कुछ नहीं, नहीं हुआ विद इन फ्यू वीक्स और मंथस यू विल फाइंड डिफरेंस इन द कॉन्शियसनेस दिस इज द पावर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस भगवत धर्म की ये शक्ति है सो प्रत्यक्ष गमम धर्मयम सो धर्म सो धर्म मीन्स रिलीजन सो रिलीजन जैसे इंग्लिश अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे रिलीजन का तो इट से फेथ हमारा जो धर्म है लोग बोलते हैं हम हिंदू धर्म है बट हमारा हिंदू धर्म नहीं है एक्चुअली हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है भैया सनातन धर्म बिकॉज जो आत्मा है वो सनातन है जो हिंदू शब्द है ये मुसलमानों का दिया हुआ शब्द है हा? क्योंकि जो व्यक्ति सिंधु रिवर के इस तरफ रहते थे जो पाकिस्तान में है उसको वो उनको वो हिंदू बोलते थे क्योंकि उनकी जो टंग है उसमें स वर्ड नहीं आता था तो दे टू प्रोनाउंस एट हिंदू बट किसी शास्त्र में कहीं भगवत गीता में पुराण में आपको परेशान कहीं हिंदू नाम नहीं मिलेगा तो ये जो है ये मुसलमानों का जो है दिया हुआ नाम है हिंदू और जो हमारा जो धर्म है वो क्या है सनातन धर्म है हमारे धर्म का नाम हा? क्योंकि जो आत्मा है वो सनातन है एंड धर्म ऑल्सो मीन्स नॉट इमेजिनेशन द समथिंग आई इमेजिन कि ऐसा है मैंने कुछ ऐसा सोचा ऐसा नहीं है क्योंकि आप देखते हैं आजकल जो है कितने सारे लोगों ने कितने धर्म बन चुके हैं और अब, अब मेरे ख्याल से जितने धर्म हमने छोटे होते जब मैं दस पंद्रह साल का था हमें कुछ धर्म मालूम थे पर आज आप देखते हैं कितने धर्म बन चुके हैं कितने लोग अलग अलग कल्ट चला देते हैं हु? और अपने अपने जो धर्म है मैन्युफैक्चर करते हैं बट दैट इज नॉट राइट और वन कैन नॉट डू इट Like this. Why? बताती है धर्मां तु साक्षात भगवत प्रणीतम कि जो धर्म है, जो है और जो धर्म है हुँ? वो कौन बनाता है भगवान बनाते हैं धर्मां तु साक्षात भगवत प्रणीतम सो so धर्म डजन मींस फेथ धर्म मींस ऑर्डर ऑफ द गॉड भगवान का हुक्म क्या कह रहे हैं भगवान शॉर्टेस्ट डिस्क्रिप्शन बोलते थे धर्म की शॉर्टेस्ट डिस्क्रिप्शन यही है कि दर्डर गिवन बाई गॉड ज दिस्क्रिप्शन ऑफ धर्म कि मेरा धर्म क्या है लाइक like दिस huh? so, so, जो धर्म है हम अपने आप नहीं बना सकते हैं जैसे कोई भी देश है उस देश के अंदर हमारा भारत देश है हम ये नहीं कर सकते हैं कि अपना धर्म अपने आप बना दे कि आज से मैं कहता हूं कि हम रोड के लेफ्ट साइड नहीं चलेंगे राइट साइड चलेंगे आज से बोलते हैं ऐसा करना है हो सकता है हमारे घर में कोई हमारी बात मान ले बट वो रूल बाहर अप्लाई नहीं हो सकते अगर हम करेंगे तो हमें उसका दंड मिलेगा इसी तरह से जो धर्म है क्या धर्म है एक एक पति का एक पत्नी का एक बिजनेसमैन का एक स्टूडेंट का एक फादर का एक सन का ये सारे जो धर्म हैं जो शास्त्रों में लिखे हैं वो शास्त्रों जो है भगवान से आए हैं सो दे आर द ऑर्डर्स ऑफ द गॉड वी हैश्रम धर्म हर एक व्यक्ति का जो भी यहाँ पर धर्म है सो दैट मीन्स ऑर्डर्स गिवन बाई गॉड और वो हम अपने आप नहीं बना सकते हैं उसको हुँ? और आ, आ, But unfortunately, अगर आप देखते हैं आजकल का जैसा माहौल है कि हमें यही नहीं मालूम कि भगवान हैं कि नहीं और हैं तो कौन है हु? तो जो हर एक व्यक्ति जो है वो किसमें है अज्ञानता में है जिसको हम बोलते हैं अज्ञानता मीन्स मोड ऑफ इग्नोरेंस डार्कनेस उस तरह की नॉलेज नहीं बताई जा रही है यहाँ क्या बताया जा रहा है इस अध्याय में उत्तमम बियॉन्ड डार्कनेस इज देयर दैट इज बीब इन दिस वंडरफुल चैप्टर और अगर हम इसको अगर हम इसको फॉलो करेंगे प्रैक्टिस करेंगे देन गमम सो डायरेक्टली विल अंडरस्टैंड और हम अपने लाइफ में इसका असर देखेंगे कि इसको अप्लाई करने से हमारे जीवन में मेरी चेतनता में और कैस किस तरह से मेरे में बदलाव आता है हुँ? और uh, uh, जो भगवान है उनसे हमारा जो कनेक्शन है दैट बिकम्स सॉलिड सो ये जो है भागवत धर्म है या कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सो so इसको ये किसी भी तरह से आसानी से नहीं मिलती है हमने सातवें बधाई में पढ़ा किस तरह से चार तरह के व्यक्ति जो हैं भगवान की शरण लेते हैं आर्तो आरती जिज्ञासु और ज्ञानी सुकृतिना भगवान उनको बोलते हैं सुकृतिना इनके पास पाइटी है हा? क्योंकि शुद्ध भक्ति के लिए तो नहीं आए हैं बट किसी भी तरह से आए हैं तो चाहे कोई है या ज्ञानी है हा? या या तकलीफ में है या कुछ धन चाहिए उसके लिए आए हैं किसी भी तरह से आते हैं तो जो तब भी इनको सुकृतिक ना मानते हैं सो so, पर इनको भगवान को जानना हा? इतना आसान नहीं है आप देखेंगे जो ऋषि हैं या जो योगी है वो कितने सालों साल तक हिमालय में जाके तपस्या करते हैं जो ज्ञानी है वो कितने सालों साल तक जो है उपनिषद और अलग शास्त्र पढ़ते हैं पर भगवान को नहीं जान सकते हैं एक बार आ, 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 मैं अपने आ, जो गुरु महाराज है उनके साथ में किसी घर गया था और वो जो व्यक्ति हैं वो वो बाहर रहते थे विदेश में आ, मलेशिया में और उनके साथ गया तो उनकी पत्नी को बड़ा उनके साथ बड़ा वो था कि भाई ये बाहर जाते हैं और भारत जाते हैं और वहाँ जाके योगियों के पास जाते हैं दो दो तीन तीन महीने तक वापस नहीं आते हैं और मुझे पता नहीं चल पाता ये कहाँ है बड़े ही धनवान इंडस्ट्रीज थे वो आ, तो फिर उन्होंने बताया जब बात कर रहे थे मैं गुरु महाराज से तो उन्होंने बातों में उन्होंने गुरु महाराज ने पूछा उनसे कि भाई तो आप बताइए आप इतने सालों से वहाँ जा रहे हैं आप योगी के पास जाते हैं हिमालय में जाते हैं तो आपने क्या सीखा और वो क्या कहते हैं योगी भगवान कौन है तो उन्होंने बोला उन्होंने जवाब दिया कि वो योगी ने बोला कि भगवान को साक्षात्कार या भगवान के बारे में जानना इतना आसान नहीं है, है? बहुत टाइम लगता है सो गुरु महाराज ने बोला कि हाँ बहुत टाइम लगता है पर वो आपको नहीं बता पा रहे हैं क्यों क्योंकि उनको स्वयं नहीं मालूम है वो स्वयं इसलिए तपस्या कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम है पर मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान जो है कृष्ण है सबके जो अः अः अवतारी हैं वो कृष्ण है, है और वही स्वयं भगवान है और उनके पास सुकृति थी या गुरु महाराज की पोटेंसी थी प्रभुपाद की कृपा थी और वो बहुत ही जल्दी अगले अगले दिन जो है वो अपनी दाढ़ी वाड़ी साफ करके और सब करके और उन्हें अगले दिन से ही सोलह माला का जब करना शुरू कर दिया तो ये शुद्ध भक्तों का जो है कृपा या उनकी पोटेंसी रहती है बट हम तो हम देखते हैं कि इतना आसान नहीं है और ये जो सारा जो ज्ञान है ये प्रभुपाद की कृपा से और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें मिला है और नहीं तो हम पढ़ते हैं कि शास्त्रों में कि आपने सातवें अध्याय में ही पढ़ा होगा मनुष्य नाम सह शिशु कश्चित यतिथि सिद्ध है ओनली दे स्ट्राइव फॉर परफेक्शन एंड वट इज मीनिंग ऑफ परफेक्शन मेनी पीपल एंड देट इज मीनिंग ऑफ परफेक्शन सो दैट परफेक्शन इज ऑल्सो गिवन इन भगवद गीता कि आपने सातवें अध्याय में भी पढ़ा होगा uh, अंत के अंदर आता है वो श्लोक पॉइंट आई थिंक टू नाइन उसमें बताते हैं कि कैसे कि जो uh, जो बुद्धिमान व्यक्ति है ही ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम जरा एंड मृत्यु और uh, तेरहवें अध्याय में भी आएगा कि uh, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम

Like huh? so, huh? बीमार नहीं होना चाहता कौन बीमार होना चाहता है huh? पर मैं होता so, it is imperfection. तो इतने करोड़ों अरबों डॉलर रुपए खर्च के आज भी जो है जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इनका नहीं करा पाए कि ये जो साइकिल है बर्थ और डेथ का इसको कैसे खत्म किया जाए वी कैन डिले फॉर time. हम हाँ, बाल काले कर सकते हैं चश्मा हटा के कॉन्टेक्ट लेंस पहन सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं बॉडी के साथ बट ग्रेजुअली इट विल गो अवे सो हाँ? so, ये जितनी भी है हमारी लाइफ की इसके पर हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों है और वो क्यों है क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती अगर हमें देखें कि हर एक घर में मृत्यु हो रही है हर व्यक्ति मर रहा है तो हमें मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए बट तब भी हमें मृत्यु से भय लगता है क्यों हम बूढ़े क्यों नहीं होना चाहते हैं ट टू रिमेन यंग सो बिकॉज आत्मा कभी की कभी मृत्यु नहीं होती है आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती है आत्मा का कभी बीमार नहीं पड़ती है आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है सो so, ये सारी चीजें हमारे लिए अन्यचुरल है सो टू गेट बैक टू दैट स्टेट कॉल्ड परफेक्शन आप देखिए कितना साइंटिस्ट ने सब कुछ कर लिया बट आप, आप मृत्यु तो छोड़ दीजिए जन्म पर भी काबू नहीं कर पाए हैं आई थिंक बर्थ रेट still स्टिल say से एवरी seconds I आई थिंक सम थ्री चिल्ड्रन फोर चिल्ड्रन आर बॉर्न हाँ और देखिए ने कितना करके कि आ, इतना सारे पद्धतियां ला के वेदर इट इज contraceptives और अदर आर्टिफिशियल मीन्स की जो बर्थ रेट है रोका जाए बट बर्थ रेट रुका नहीं वो बढ़ता चला जा रहा है है ना जो बर्थ रेट है हर एक जगह बढ़ता चला जा रहा है हु? सो so, आज जो है हालत यह है संसार की कि लोग भ्रूण के अंदर जो माताएं हैं अपने बच्चों को मारने का तैयार हैं कुत्तों को प्यार करते हैं और अपने गर्भ में जो बच्चा है उसको मारने में कोई गलानी नहीं होती है सो so, कभी भी हम भगवान के धर्मों के अगेस्ट जाएंगे तो उसका जो रिजल्ट है इट विल बी क्लेश अशुभधा सो दैट इनऑस्पिशियसनेस कैन बी रिमूव सिंपली बाई टर्निंग अवर फेस टू गॉड अगर जो हम भगवान से हम जो विमुख हुए हैं अगर हम भगवान की तरफ अपना फेस करते हैं क्योंकि हमने रोशनी से सूर्य से huh, शास्त्र में आता है कि जो कृष्ण सूर्य समय भगवान जो है वो सूर्य के समान है, है और जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं देन वी कम इन टू डार्कनेस एंड जैसे ही हम भगवान के

चौथे अध्याय के श्लोक में कि जन्म कर्म चमे दिव्यम यो जानाति तत्वता त्यक्त देहं पुनर्जन्म नेति नामामेति स्वर्जना कि जो व्यक्ति मुझे जान जाता है तत्व से उसका दोबारा जन्म नहीं होता सो so, ये जो है कृष्ण भक्ति जो भगवत धर्म बहुत ही हमारी कृपा है चैतन्य महाप्रभु की और शिला प्रभुपाद के आचार्य की कि हमें बड़े ही सरल तरीके से बड़ी आसानी से हुँ? बिना उल्टा खड़े हुए बिना जंगलों में गए हुए बिना बड़े बड़े शास्त्र पढ़े हुए हमें सिंपल लैंग्वेज के अंदर हमें ये ज्ञान ज्ञान दिया और इस से आगे जो है आ, हम जो है आ, बड़ी सरलता से जिसमें से वर्ड है सुसुखम सुख सुखम का, का मतलब क्या है ये जो हमने पढ़ा है इसके अंदर एक वर्ड था सुसुखम्म श्लोक के अंदर राज विद्या राजगुहम पवित्रम इधम उत्तम प्रत्यक्षम सो हमने धर्म अंतर पढ़ लिया था सुखम करतुम अव्यय तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है जो भगवान जो भगवान की जो भक्ति है ये सुखपूर्वक की जाती है सुखपूर्वक क्यों है क्योंकि इसके लिए आप कोई आसन नहीं करना कहीं जंगलों में नहीं जाना आप घर में रह के गृहस्थ जीवन करते हुए हाउस वाइफ हसबेंड बिजनेसमैन स्टूडेंट रिटायर्ड हुन इजिली डू इट और उसके लिए आपको कोई कोई वस्तुएं नहीं करनी है कोई हवन नहीं करने हैं कोई आपको सामग्री नहीं चाहिए बल्कि भगवान कहते हैं कि कोई पुष्प या फल भी कोई मुझे प्रेम से अर्पित करेगा तो मैं ले लेता हूं एंड आई एम फील सेटिस्फाइड फील सेटिस्फाइड सो इट इज इट इज डन वेरी इजिली और इसके लिए कोई धन नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए कोई व्यक्ति किसी भी स्तर का क्यों ना हो वो भगवान की भक्ति आराम से कर सकता है उस, उसमें किसी तरह की कमी नहीं आ सकती बिकॉज इट इज अ जर्नी ऑफ हार्ट

भागवत में लिखा अह है तो की अह्रति किसी भी मटेरियल मटीरियल से भगवान की भक्ति रोकी नहीं जा सकती है सो so, सो सो ये ये आज आज बज गए मैं विराम देता so, ये जो हमने आज हमने दो श्लोक पढ़े इसीलिए हमने थोड़े से इन पे चर्चा की ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आए हम थोड़ी सी हमारी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे आए कि हम समझ सके कि नौवा अध्याय कितना इंपॉर्टेंट है और अब जो है कल हम लोग जो है इसके श्लोक एक एक करके पढ़ेंगे और जो कुछ जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे सो so, इसके साथ आज का सेशन अब मैं यहाँ रोकता हूँ अब आप लोग हैं अगर कोई प्रश्न हो या कोई टिप्पणी हो या कुछ मैंने ठीक से नहीं बोला आप डांटना चाहते हैं तो <laughs> can, uh, प्रभु जी, मैं, uh, कुछ पूछ सकती हूँ आपसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हाँ जरूर माता जी प्लीज uh, uh, प्रभु जी uh, पहले मैं ये कहना चाहती हूँ um, पता नहीं मैं कैसे कहना चाहती हूँ समझिए कि मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की, इस कौन के एस्कोन के रूल्स को या उनके संस, उनके प्रोटोकॉल या कुछ भी कहिए एक तरीका है कृष्ण से मेरा रिश्ता तो बचपन से ही है लेकिन अब अलग अलग एस्पेक्ट से मुझे कृष्ण सुनने को और समझने को मिल रहे हैं विच इज वेरी फैसिनेटिंग बट मेरे मन में एक बात आती है हमेशा कि कुछ समय से जब मैं मीनाक्षी जी और उनका सेशन सुनती हूँ अच्छा nice. आपसे कि बार बार आप लोग एक बात पर स्ट्रेस uh, देते हैं कि 16 माला का कर जब करना चाहिए माला का कर जब करना चाहिए तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बात आती है बिकॉज बचपन से नाउ आई एम फोर्टी फाइव टू बिग बॉय और मुझे जितना अपना बचपन याद है मैं बचपन से ही कृष्ण से हर तरह की बात करती थी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो मैं कृष्ण से बोलती थी किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं कृष्णा को जाकर लड़ाई करती थी कोई अच्छी बात होती थी तो कृष्णा से बात करती थी तो मेरी लाइफ में ये वाली एक जपा वाली एक स्टेज कभी नहीं आई थी कि माला जपनी है कृष्ण के लिए आई वो ऑलवेज कनेक्टेड टू हिम एज अ शायद वो मेरे सखा के रूप में मेरे भाई के रूप में और प्रभु तो वो है ही भगवान तो वो है ही सबके लिए ऐसे रहे तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक इतना स्ट्रेस जो दिया जाता है सोलह माला का जब करना ही करना है इस इस अचीव तो करना ही करना है तो क्या अब मैं नहीं कर पा रही है या मैंने मेरे मन से अभी आवाज नहीं आई कि मैं माला लेके बैठ जाऊँ तो क्या मैं कृष्ण के टूवर्ड्स कुछ इनकम्प्लीट uh, हूँ उनकी भक्ति के टूवर्ड्स या कुछ आई होप आई कैन कन्वे माई फीलिंग्स टू यू आई डोंट नो मतलब क्या ये बहुत आई थिंक आई जी कि क्या ये इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण yeah. से एक इंटीमेट रिश्ता जोड़ने के लिए मुझे 16 माला का जब करना ही पड़ेगा मैं ये पूछना चाहती ओके थैंक यू माता जी व्हाट इज योर नेम माता जी पूजा 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 और मैं गुड़गांव से ही हूँ थैंक यू पूजा ओके सो थैंक यू पूजा माता जी वन टू ओपन योर हार्ट एंड टू शेयर देखिए कुछ चीजें जो है क्योंकि हम इस पावन भूमि में हमारा जन्म हुआ है तो कुछ चीजें हैं जो हमें संस्कार के रूप में मिलती हैं बड़ों से बड़ों से मिली जिस तरह से हमारा अपब्रिंगिंग हुई हमें वो चीजें संस्कार में मिली एंड वी हैव सम नेचुरल अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा टूवर्ड्स राम टुवर्ड्स लाइक दिस क्योंकि घरों में ऐसा हमारा वातावरण ही ऐसा था हाँ, जी। तो उस मामले में हम बहुत भाग्यशाली हैं बट आप देखिए अगर आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ जी। कि कि आपका एक भाई है और आप बोलते हैं कि पिता आपको बहुत याद करते हैं पर वो कहता है कि मैं मैं पिता से बहुत प्यार करता हूँ आई ऑल्सो लव हिज योर ब्रदर ओके मैं भी आई ऑल्सो लव माई फादर बट आई हैव नो टाइम फॉर हेम नो वट विल यू टेल अबाउट हेम अगर आपका एक भाई है सगा भाई है आप बोलते हो कहते हैं मैं करता हूं मैं मुझे पिता से बहुत प्यार है कुछ चाहिए तो मुझे ले लेना

क्यों कहता तो मैं मानता हूं मेरे पिता हैं मैं कुछ चाहिए ले लीजिए पर मैं बात बात करने का टाइम नहीं है सो डज ही लव आ नहीं सकता ये, ये प्यार तो नहीं लगता मुझे नो no, इसी था, था। तरह इसी तरह से माता जी इसी तरह से वी हैव सम अट्रैक्शन सम सम इमोशंस वी हैव फॉर गॉड ओके बट आर वी रिमेंबरिंग हिम आर वी टेकिंग हिज नेम डू वी नो व्हाट ही वांट्स आई एम बिजी इन माय ओन लाइफ व्हाट व्हाट Uh, चित्र महाप्रभु कहते थे जो लखपति होगा उसके घर में प्रसाद ग्रहण करूंगा तो लोग घबरा गए कि हम तो सारे फोकट है लखपति कौन है सो so फिर उनको समझ में आया कि लखपति कह रहे हैं कि जो भगवान का चौंसठ माला करते हैं चित्र महाप्रभु का ये रूल था जो व्यक्ति अच्छा। चौंसठ माला नहीं करता था उसके घर प्रसाद नहीं पाते थे हुं? जो अच्छा। जो करीबी थे उनके तो ये आचार्य बताते हैं देखिए तो एक क्या है एक हमारी स्वाभाविक अट्रैक्शन है टूवर्ड सम्बडी

भगवान के अगर हम धाम जाना चाहते हैं अगर हम भगवान के वापस जाना चाहते हैं देन हमें एक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी पड़ती है आध्यात्मिक गुरु की शरण लेने के बाद ही हमारी आध्यात्मिक जिंदगी शुरू होती है नहीं तो उससे पहले हमारी एक 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 जैसे मैंने बोला कि एक कोई संस्कार की वजह से हमारी अट्रैक्शन है बट हमारी उतनी ही अट्रैक्शन इस भौतिक जगत के प्रति भी है हम इतनी बार भगवान का नाम नहीं लेते हैं जितनी बार अपने बच्चों का अपने पति का अपनी पत्नी का नाम ले देते हैं

शायद तरीका अलग है so कि शायद कृष्णा मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं कि रहती हूँ और फिर मैं अपनी लाइफ चलाती हूँ कि ऐसा नहीं है आपने बोला ना कि प्यार तो है लेकिन ना याद नहीं करती वो सिचुएशन तो शायद नहीं है मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है वो है तो सब है ये तो ये तो है मेरी लाइफ में स माताजी सीरियस बिजनेस देखिए देखिए हम लोग जो है, we are, जो हैं, आप कितने सारे चीजों में जुड़ सकते ब्रह्म यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, ये तो नाम है, नहीं। क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन एक बनाना पड़ा प्रचार करने के लिए इंस्टीट्यूशन इज देयर टू प्रीच अदरवाइज इंस्टीट्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड जो वैश्वस के इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं जैसे यू नो रामानुजाचार्य हैं वो वहां के आचार्य हैं वहां वैष्णव साउथ इंडिया में आप देखते हैं तिलक लग लगाते हैं प्रैक्टिस करते हैं दे डोंट प्रीच बट ये चैतन्य महाप्रभु हैं उनका मूड है प्रचार करने का और भगवान की भक्ति भगवान के बारे में और अगर हम भगवान के बारे में सीरियस होना चाहते हैं अगर मैं भगवान के घर वापस जाना चाहता हूं या चाहती हूं, उसका जो रास्ता है वो आपको इसका दिखा रहा है अगर अगर जाना चाहते हैं और नहीं जाना चाहते हैं बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल वी डोंट वॉन्ट टू गो बैक वी वॉन्ट टू स्टे हेयर but we want to swim nicely here you know we don't want uh -huh. to go the other side of the ocean right. we just want to swim nicely in this ocean uh -huh. yeah. uh -huh. so, uh, right, right. you know Anji, so you know so iskcon means serious business somebody who's very serious about spiritual life you know they understand it is not emotional because mm -hmm. currently i have emotions for krishna i'm not saying emotions are bad emotions are very good and yes. emotions bring us further mm -hmm. और आप कल की क्लास में पढ़ेंगे नवधा भक्ति के बारे में कि किस तरह से भक्ति के नौ लिंब है शवनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अलग अलग तरह से भगवान की भक्ति हो सकती है नौ के नौ तरीकों से भी और किसी हाँ। एक तरीके एक तरीकों को लेके भी आप भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं सो ये हम कल सुनेंगे और हम पाएंगे कि ऐसा नहीं है बट उन सबसे जो जो तरीका बताया है चैतन्य महाप्रभु ने जो स्वयं कृष्ण है वो बताया है कि मेरा मेरा नाम भगवान का नाम लीजिए भगवान क्या कह रहे हैं देखिए भगवत गीता में जो अंत है okay. भगवदगीता काज सर्वधर्मान परित जय माँ में कम शरण नंबर जाओ सारा कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण में ले जाओ हम तो नहीं कर रहे हैं माता जी तो मैं कह सकती हूँ अगर मेरे पिता कह रहे हैं कि, कि बेटा सारा कुछ छोड़ छाड़ के माइका वायका सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ मायका नहीं सॉरी सुसराल अगर अगर पिता बोले कि सारा कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ और मैं बोलू नहीं कि मैं नहीं आ सकती मेरा पत्नी धर्म है मेरा मेरा माता का धर्म है आप समझ रहे हैं सो so um, इस तरह से बच्चों की वो कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं मन मना भव मद भक्तो पर सर्वधर्मान परित ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है भगवत गीता की सो hmm? so पिता कह रहे हैं कि पिता आपको कह रहे हैं ससुराल छोड़ के वापस आ जाओ छोड़ दो पति बच्चे सब छोड़ दो मेरे पास आ जाओ आसान नहीं है माता जी इज नॉट इजी है ना हम पढ़ते हैं गोपियों के बारे में इज नॉट इजी बट बट दैट इज नॉट ही एंड इफ आई टू फुलफिल हिज डिजायर नॉट माई डिजायर

I can't hear Mata. Your voice is breaking. I can't hear. ये feeling क्या मेरे लिए ठीक है? क्या, क्या आ रही है अब आ रही है प्रभु जी? Yes, अब आ रही है. Yes. हाँ जी. मैं ये कह रहा हूँ कि शायद मैं क्या क्या मैं इस स्थिति में ये सोच रखना मेरे लिए ठीक है कि कृष्णा जो मेरी लाइफ में मुझे सिखाना चाहते हैं, let it come in a flow. Let it just come. अपने आप naturally मेरा inclination बढ़ेगा और मैं जपा करना शुरू कर दूंगी क्योंकि पहले तो मुझे ही मालूम नहीं था अब एटलीस्ट आई एम लर्निंग मुझे समझ में आ रहा है कि ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है ये भी ये। एक तरीका है आगे बढ़ने का शायद प्रोग्रेस का अपने आप को फोर्सफुली स्टार्ट करना या किस क्या करूं मतलब आई डोंट नो मैं यही कह रहा हूँ माता जी इट विल टेक लिटिल विल्ड और ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप कल से ही सोलह माला करनी शुरू कर दीजिए हम ये कहते हैं आप एक माला करना शुरू करिए एक माला करने में सात आठ मिनट लगते हैं

Some time it has like to start, correct? और हम और ये भारतवासियों में थोड़ी सी बीमारी है कि हम सब सोचते हैं कि जब बुलावा आएगा तब जाएंगे मुझे याद है वैष्णो देवी जाते थे बोलते थे बुलावा नहीं आया नहीं जाएंगे लाइक like दिस और जब मन करता था बोलते थे चोलो चोलो बुलावा आ गया अब घूमने का टाइम है us गो सो so, ये ऐसी हाँ भावना नहीं रखनी चाहिए क्योंकि भगवान जो है माता जी अपने वचन अपना मन भगवदगीता से क्लियर कर रहे हैं उनको क्या चाहिए वो क्या चाहते हैं हमसे वो भगवदगीता में बता रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ

So, it is not a so big thing to reciprocate by one mala madhav. Right. Okay. <laughs> thank you so much. Thank, thank, thank you. you. Thank, ji, thank you. Raha Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Hare, Hare Krishna. Prabhuji, you said that from, we so, uh, when we fall down from the spiritual world to the material world because of our jealousy towards God.

सेपरेट फ्रॉम गॉड इंडिपेंडेंटली देन वी गेट दिस सटल बॉडी एक अहंकार मिलता है मन बुद्धि अहंकार पहले अहंकार फिर बुद्धि फिर मन और फिर ये स्थूल जो है शरीर मिलता है डिपेंडिंग अपॉन आवर सिचुएशन सो देर इन दिस ग्रॉस एंड सटल बॉडी सो दीज आर मेटीरियलिस बट जो जो स्पिरिचुअल है जो सचिदानंद जो आत्मा है इट हैिचुअल बट दे गेट कवर्ड वेन यू फॉल डाउन दे गेट कवर्ड and even in the and even the uh, in the Brahma look, uh, in the topmost lo loka the all the all the souls who are there, which are there over there they are also fallen fallen down from the spiritual yes world. you know even in in a, even in the Satya loka or Brahma Loka, where Brahmaji resides they are fallen souls that's why they are trying to get back right, prabhu <laughs> why are they trying to get back yes Thank you so much hari krishna Hare krishna, Hare krishna so any other question? Uh, rani prabhu, is there any question on the chat? I can't see. yes, there are a few of the questions on the chat. okay. Um, you can go through. i'm sorry because there's so many messages. i'm unable to see which is the question. okay. okay. so i will read one by one. no problem. so those who want to leave can leave also. don't feel. Uh,

तो जब हम वापस जिस पिता को हमने पिछले बीस साल से कॉल नहीं किया उसको फोन करेंगे पिता को कितने प्रसन्न होंगे तो इसी तरह से जब हम भगवान का नाम लेते हैं हम भगवान को पुकारते हैं बिकॉज टेक्निकली एवरी मंत्र है बीज ए से टेक्निकैलिटीज अबाउट मंत्र बट ये जो महामंत्र है इट हैज नथिंग अदर देन द नेम ऑफ द गॉड सो इट इज अब ऑल रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस You can chant it anytime because it is purely it every single word denotes name of the god like that so that is why it's called Mahamantra like common reason I can tell there are I can give many others also but a simple one I can see next one Sandeep Prabhu is saying this Mahamantra is given by Chaitanya Mahaprabhu himself who was an incarnation of Lord Krishna and Radharani since it came from Shri Mukh of God that's why it's called मुख Yes, कह सकते हैं। But ये जो मंत्र है शास्त्र में दिया गया है। उपनिषद के अंदर मंत्र है जहाँ से चेतन महाप्रभु ने दिया और अनीता माता जी पूछ रहे हैं प्रभु जी अगला जन्म किसने देखा है तुमने देखा ऐसा तुमने देखा ऐसा कहते हैं सब मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा ही तुम्हें देखा ऐसा कहते हैं सब सो so, देखिए पूर्ण अब मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रश्न क्या है बट पूर्व जन्म और के बारे में जैसे हम समझते हैं कि कोई भी जो आत्मा है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है और जो स्थूल शरीर हम छोड़ देते हैं बट जो सूक्ष्म शरीर है जो सटल बॉडी है दैट गोज टू द नेक्स्ट बॉडी तो जो अगला जन्म है और आप कई बार आप पढ़ते भी हैं न्यूज़पेपर में और जगह किस तरह से जो है पूर्व जन्म के बारे में लोगों को बातें याद आती हैं या पास्ट तो तो गरे लाइफ तो, तो, तो ये तो आज आजकल जो है साइंटिफिकली प्रूवन है ये कि देर इज ए पास्ट लाइफ और अगला जन्म किसी ने नहीं देखा है ये सत्य है बट अगर हम ये पोपाल लिखते हैं भगवदगीता में कि अगर आप भगवत अगर आप भगवान की शरण में आते हैं तो ये गारंटीड है कि आपका अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा अगर आप गिरते नहीं हैं आप 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 भगवान भगवान से भगवान के भक्तों से जुड़े रहते हैं तो ये गारंटीड है कि अगला जन्म आपको निम्न जोनी में नहीं मिलेगा तो ये गारंटीड है ओके देन अभय शर्मा प्रभु थैंक यू प्रभु जी भगवदगीता यथारूप और भगवदगीता में भगवदगीता यथारूप और बाकी भगवदगीता में क्या फर्क है वेरी गुड सो भगवदगीता जो है आ, उसके इंग्लिश के मेरे ख्याल से 600 से ज्यादा editions हैं और यथारूप मीन्स भगवदगीता एज इट इज सो so, हर हर व्यक्ति एक्चुअली पूर्व काल में Vedic टाइम्स के अंदर आपको आप कोई किताब नहीं लिख सकते थे आपके पास योग्यता होनी चाहिए आप परंपरा में होने चाहिए तभी आप कोई पुस्तक लिख सकते हैं स्पिरिचुअल बुक्स पे तो छोड़ ही दीजिए आप नॉर्मल पुस्तक नहीं लिख सकते थे पर आज क्या है कलयुग में आप कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है है ना मैं आज लिख सकता हूँ रावण सबसे धनी था रावण ही अच्छा भक्त था और राम ने ठीक नहीं किया उनके साथ वो तो बेचारा बड़ा अच्छा था क्या चाहता था है? सिर्फ एक हैवन तक पीढ़ी लेना चाहता था देवी देवता उसे जलते थे आप कुछ कुछ भी लिख सकते हैं पर उसका कोई असर नहीं है बल्कि आप लोगों को भटकाते हैं बट इसी तरह से कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं फिलोसफर्स हैं है? उन्होंने भगवदगीता पे टिप्पणी लिखी बट इट वॉज देयर ओन इंटरप्रिटेशन ओके okay, मेरे मेरे मत से आई थिंक इट इज लाइक दिस आई थिंक इट इज लाइक दिस बट जो जो परंपरा में आते हैं जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज uh, हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जो जो परंपरा में आ, परंपरा में आने का मतलब क्या होता है कि जो आपके गुरु ने सीखा जो अपने गुरु से सीखा और वो परंपरा कृष्ण तक जाती है तो चार जो है संप्रदाय हैं रुद्र संप्रदाय कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय और uh, फोर्थ वन uh, रुद्र संप्रदाय संप्रदाय।, संप्रदाय।, तो ये संप्रदाय है सो वन इज स्टार्टेड बाई लक्ष्मी देवी Shiva, और कौन सा रह गया हमारा श्री रुद्र कुमार और, ब्रह्मा। ब्रह्मा। और एक है ब्रह्म जी का जिसमें इस कौन आता है ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय तो ये जो चारों के चारे संप्रदाय है इनकी जो नॉलेज है इन चार स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी से

No, who knows, आप उसको पोएम को ट्रांसलेट कर सकते हैं बट दफेक्ट इज गॉन बिकॉज यू आर इंटरप्रेटिंग इन माई वे बट भावार्थ मत मतलब कृष्ण क्या कहना चाहते हैं उनके इसके पीछे कहने का क्या भाव है वो आपको आचार्य वो बता रहे हैं तो इसीलिए जब आप टीका पढ़ते हैं संप्रदाय में से इट हैज पोटेंसिटी अदरवाइज इट देर इज नो पोटेंसिटी तो दिस इज अ डिफरेंस तो उससे पहले प्रभुपात से पहले भी वैष्णव संप्रदाय के अंदर टीका थी बट देवर इन संस्कृत मोस्टली देवर इन संस्कृत

हाई क्लास का क्वेश्चन है हायर क्लास का नॉट हाई क्लास और हायर क्लास का बट इसमें हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए इसका सिंपल आंसर यह है कि जो व्यक्ति दूसरी कक्षा में है उसको दूसरी का ही एग्जाम आता है जो तीसरी कक्षा में है उसको तीसरी का आता है जो किंडर गार्डन में है उसको किंडर गार्टन का आता है तो हमेशा हमारे जीवन में जब कठिनाइयां आती है भक्तों के जीवन में तो जैसे आपने बोला कि इट इज लाइक ए टेस्ट तो ये देखना चाहिए कि हमारे में वो हमारे में वो क्षमता है तभी ये टेस्ट मिला है अगर क्षमता नहीं होगी टेस्ट नहीं मिलेगा बर की सेकंड ग्रेड को सेकेंड ग्रेड का टेस्ट मिलता है टेंथ ग्रेड को टेंथ टेंथ का ट्वेल्थ को ट्वेल्थ काम जस्ट गिविंग शॉर्ट आंसर सो दू ड लेट देन हीरा जोशी हरे कृष्ण प्रभु जी थैंक यू फॉर द सेशन वट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सनातन इन सनातन धर्म सनातन मीन्स एटर्नल सनातन मीन्स एटर्नल जिसे हम बोलते हैं सनातन धर्म क्यों बोलते हैं क्योंकि आत्मा इज इस सनातन इसका कभी मृत्यु नहीं होती है अविनाशी लाइक अजय पांडे प्रभु चैप्टर्स नहीं प्रभु जी मैं जो नवा अध्याय है उसकी जो बाकी जो बत्तीस श्लोक है दैट वी विल ट्राई टू कवर द इम्पॉर्टेंट वंस टूमोरो बाकी तो हर वीकेंड में अब नेक्स्ट टू तो नेक्स्ट वीकेंड दसवां होगा फिर नेक्स्ट तो नेक्स्ट वीक ग्यारहवा अध्याय होगा इस तरह से चलेगा रवि प्रभु थैंक यू मनीषांग प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपने बताया थोड़ा और बता सकते हैं मोर अबाउट चैतन्य महाप्रभु जितना चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनेंगे हमारे मुख से जितनी बार उनका नाम निकलेगा या लिखेंगे दैट मच विल गेट प्यूरिफाइड दैट आई कैन टेल यू सो आई थिंक

अब इसका मैं आप इतनी बड़ा लंबा चौड़ा सा इसका बनेगा बट मैं आपको इसका सरल आंसर ये दे देता हूं कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो कभी भी भगवान नहीं लेते हैं जिसे हम भगवान के अंश हैं हैं भगवान है? कि हम अंश सो सो गॉड इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट क्योंकि हम भगवान के अंश हैं वी ऑल्सो है माइन्यूट इंडिपेंडेंस दैट इंडिपेंडेंस ही नेवर टेक्स अवे फ्रॉम अस सो दैट इंडिपेंडेंस रिमेन विद अस सो एनी टाइम एनी बडी कैन फॉल है ना तो क्योंकि इंडिपेंडेंट ही इंडिपेंडेंट लाइक दिस तो वो हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो कभी नहीं, नहीं क्योंकि प्यार का मतलब यही होता है कि, कि जो मेरी इंडिपेंडेंस है वो मैं छोड़ के मैं उनकी शरण ले रहा हूँ या ले रही हूँ है ना सो so वो सो so यही मतलब डेफिनेशन ही प्यार की यही होती है माता जी सो तो वो इंडिपेंडेंस भगवान कभी नहीं लेते हैं और उस इंडिपेंडेंस का मिस सोल कभी भी कर सकती है जी प्रोग्रेस ओके सो सो ओके फिर ठीक है सो वी विल एंड द सेशन नाउ सो थैंक यू सो मच फॉर टॉलरटिंग मी फॉर 1 1/2 आवर एंड वी विल मीट टुमारो अगेन सो वी विल एंड द सेशन मंजर कल्पत्रिम इंद्र कृपासिंधुय एवच पतित नाम पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमः